वहीं टीएमसी प्रत्याशी सायंतिका बनर्जी का आरोप, बीजेपी वाले लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। ये कह रही है सायंतिका बनर्जी। बांकुरा से टीएमसी प्रत्याशी है सायंतिका और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले मतदाताओं को पोलिंग सेंटर पर जाने से रोक रहे हैं, वोट डालने से रोका जा रहा है बांकुरा में। इसका क्या करेंगे आप? मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग वापस जा चुके हैं उनको, कि मैं क्षमा चाहती हूं सबसे, पर ये दीदी के लिए वोट है, ये हमारा एक टू पॉइंट। मैम नॉट टुडे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सब आके अपना वोट दे के जाए, क्योंकि ये हमारा स्ट्रांग बूथ है एंड दिस इज़ वन ऑफ द इट्स गोइंग टू ऐड ऑन टू द डिसाइडिंग नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम बांकुरा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। जो लोग दीदी से प्यार करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग आके अपना वोट दे के जाए। क्या ये षड्यंत्र? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वोट नहीं हो पाया। स्ट्रांग बूथ है, हो भी सकता है। तो टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा, टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक, सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पर ही सारे टीएमसी कैंडिडेट जो हैं वो वोट मांग रहे हैं और यही सायंतिका बनर्जी भी करती हुई नजर आई। वहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में वोट डाला है। नंदीग्राम के बूथ नंबर 76 पर शुभेंदु ने वोट डाला है। शुभेंदु अधिकारी ने यहां भी दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ही जीत होगी, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे, बंगाल में विकास चुनाव का मुख्य मुद्दा है। यह भी कहा शुभेंदु अधिकारी ने। वो शुभेंदु अधिकारी जो अब तक तृणमूल कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी की 2016 में जो सरकार बनी उसमें भी तमाम मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे थे, बीजेपी में आए और अब नंदीग्राम से ममता बनर्जी को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है, बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, जुबा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं नंदीग्राम, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक का बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार ये दोहराते रहे कि 50,000 वोटों से इस बार दीदी को हराएंगे। किसके दावों में कितना दम नजर आ रहा है नंदीग्राम में मौजूद रहकर आपको? हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आज जब वोटिंग हो रही है तो भी बहुत ही हाई वोल्टेज इस समय दोनों ओर से जो हमको ज़मीन पे दिख रहा है, जो आवाजाही दिख रही है, जो अप्रोच किया जा रहा है मतदाताओं को, वो उसके तरीके अलग हैं। जैसे कि आज शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले, हम उनके साथ ही थे, शुरू में उन्होंने हमसे बोला कि हमारा जो मुद्दा होगा वो विकास होगा, उसके बाद ये देखिए यहीं पर अभी वो ठहरे हुए, ये उनकी सिक्योरिटी है अंदर बैठे हुए। यहाँ जब आए तो फिर हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि विकास भी है, तुष्टिकरण भी है, उसके बाद उन्होंने अपना वोटिंग आईडी कार्ड दिखाया, फिर मोटरसाइकिल पर बैठे और मोटरसाइकिल से यहाँ से लेकर के वो बूथ तक गए। तो एक एक जो टाइम है ना, ये टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है जो टीवी कवरेज हो, लोगों तक बात पहुँचे अधिक से अधिक। कल ममता बनर्जी को भी हमने देखा कि आम तौर पे ऐसा होता नहीं, पर वो शाम को अपने घर से निकली तो रुक गई और उन्होंने शीशा नीचे किया करवाया कार का और फिर उन्होंने मीडिया से बात की। तो पूरी कोशिश ये है कि लास्ट मोमेंट पर जो मैसेज पहुंचा दिया जाए। आप इससे समझ लीजिए कितनी दिलचस्प लड़ाई है ये, जहाँ एक एक मैसेज की अहमियत है और वो भी उस वक्त तक ये मैसेज दिए जा रहे हैं जब इस समय वोटिंग चल रही है। अभिषेक, तृणमूल कांग्रेस के खेमे की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई 2016 की जीत पर शुभेंदु अधिकारी इतराते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल हुई थी, उसमें से उनका अपना कितना वोट बैंक था उसकी परसेंटेज तक बताई जा रही है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहे फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ
आप फिट तो सब हिट।